ठंडी ज्यादा लग रही है? नहीं, तुम्हारी आवाज निकल रही है ठंडी ठंडी ठंडी। ओह कुल्फी जम रही है कुल्फी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. आतंकी आतंक मचाया हुआ है, आदमी जाए तो जाएगा ही। ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये पर्सनल सिक्योरिटी है, ये दरवाजा खुला है, अब हम अंदर घुस रहे हैं इसमें, है ना? No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun. Good morning, guys. Welcome back to the channel. Time हो रहा है 11:25. अभी जस्ट सुनंदा को ड्रॉप किया है ऑफिस, अब मैं जा रहा हूँ घर। जा करके करेंगे कुछ एडिटिंग, ब्लॉग अपलोड करेंगे। बारिश पड़ी है यार, रोड गीली हो गई है। हमारी वाली तो नहीं हो रही, गाड़ी साफ सुथरी खड़ी है और बारिश पड़ी हुई है। टाइम हो रहा है अभी 4:15 और बारिश पड़ रही है। तो नहीं आपको दिख पा रही है या नहीं दिख पा रही, और बारिश शुरू हो गई है इस टाइम। चार बजे ही ऐसा लग रहा है जैसे 7-8 बज रहे हो, मौसम ऐसा हो गया बिल्कुल बारिश शुरू हो गई है। वाइपर आवाज कर रहे हैं यार। ये जाती जाती वाली जो ठंड है ना, ये बड़ी खतरनाक वाली ठंड होती है। अब ये बारिश पड़ गई ना, अब ये 2-3 दिन मौसम फिर ठंडा रहेगा, फिर रजाइयाँ हीटर चालू हो जाएंगे। रजाइयाँ तो अभी भी चालू है, पर हीटर हमने बंद कर दिया था, हमारा हीटर फिर से चालू हो जाएगा। मेरे साथ ना बचपन से ही ऐसा हो रहा है, जब भी मैं सोचता हूँ ना कि मैं आज मैं गाड़ी साफ करूंगा, बिल्कुल चमका दूंगा, टायर वायर पॉलिश वॉलिश लगा के एकदम फर्स्ट क्लास कर दूंगा, उसके 1-2 दिन के आसपास में ही बारिश पड़ जाती है। और हमेशा मेरे साथ बचपन में हमेशा होता था, जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी साफ सूफ करके धुलाई वुलाई करके पॉलिश वॉलिश लगा के रखी, अगले दिन बारिश या आधे घंटे में 1 घंटे के अंदर बारिश। अभी भी ऐसे ही था, मैंने आज सोचा था कि आज चलो पुंटों को मैं साफ वाफ करके बढ़िया से चमका चुमकू के रखूंगा, लो बारिश पड़ गई, अब 1-2 दिन फिर वैसे ही निकल जाएंगे। मैंने कभी कभी मजाक में मेरे से कहती थी कि यार आज ना गर्मी बहुत हो रही है, तू ना गाड़ी साफ कर ले। मैंने कहा है गर्मी हो रही है गाड़ी साफ कर ले क्या मतलब? अरे नहीं, तू गाड़ी साफ कर ले, तू गाड़ी साफ करेगा बारिश आ जाएगी और गर्मी थोड़ा सा हमें सुकून मिलेगा। और लिटरली मैं उसकी बात मान के मैं कहा चल ठीक है तू सही कह रहे, चल कर लेता हूँ गाड़ी साफ कर लेता हूँ, गंदी भी हो रही है। और जैसी मैंने गाड़ी साफ करी भाई साहब बारिश। ये जो बिल्डिंग खड़ी है ना, ये रात में ऐसा लगता है जैसे ताश के पत्तों की जो बिल्डिंग नहीं बनाते थे हम बचपन में, ऐसी बिल्डिंगें खड़ी है। एक फूक मारोगे और ये स्वाहा हो जाएगी। रात में तो लिटरली ऐसा लगता है जैसे वॉलपेपर सा कोई खड़ा हो। पतला करके मानूंगा मैं, कह रहा ठीक है भाई ठीक है डन है, देखते हैं कितना जाते हैं। मुझे ना बड़ा मजा आया कि चलो मेरे जो मैं जा नहीं पा रहा था ना, जो मेरे को लग रहा था मेरा एक जिम बड़ी मेरे साथ है और मजा आएगा, हम आज जाएंगे जिम करेंगे ये। A few moments later. यार अभी ना सुनंदा से मेरी लड़ाई हो गई, हमारी शादी की ना एल्बम अभी तक नहीं आई है, 2 साल हो गए। ये जो मेरा दोस्त है जो आपने देखा होगा ब्लॉग में आलोक के चक्कर में, यार फंसा हुआ है, मैं क्या बोलूँ फंसा हुआ है क्या है, वो भी मेरे को एल्बम नहीं दे पा रहा है। यहाँ मैं एल्बम इसको मैं रोज बोल रहा हूँ आज आ जाएगी कल आ जाएगी आज आ जाएगी कल आ जाएगी, उस चक्कर में मेरी और इसकी लड़ाई हो गई। अभी हम आए थे सुनंदा के घर में, मैंने सुनंदा को घर छोड़ दिया, मैं जा रहा हूँ अपने साले की दुकान पे। माहौल थोड़ा सा गर्म हो गया, अब जाके देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर जाके संभालता हूँ देखता हूँ। बारिश पड़ रही है बड़ी कैडी करके, सुनंदा को मनाने के लिए सुनंदा के लिए मैंने चॉकलेट लिया, मनाता हूँ उसे यार, कोई बात नहीं गुस्सा तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं चलते हैं फिर। अच्छा लग रहा है कश्मीरी बच्चा, अल्लाह टल्ला पे कश्मीरी बच्चे, कश्मीर में ठंड पड़ रही है ना, छोटे पेंगुइन इधर आ, अपने से बड़ी चीज मत उठा, इधर आ इधर इधर आ जा। ओ भाई पूरी जान लगा दी, पूरी जान लगा दी। हाँ 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 चल ये दे। क्या बोलता तू? ओ तो गेम खेल रहे हो, नया गेम ये, गिरा दो इसको इससे नीचे, गिरा दे ये, गिरा दे गिरा दे। आई 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 तेरी तो कुतार
उतार दे। हाँ नन्ना 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 वेलकम बैक टू द माय चैनल पापा चुप हो जा। हाँ बेटा कोशिश जारी है, थोड़ी देर में मान जाओ बेबी मान जाओ, तुम ब्लॉग में हो मान जाओ यार। मैंने तो ब्लॉग में भी बोल दिया कि मैंने अपनी बेटी को गुस्सा कर दिया, माफी मांग रहा हूँ। तो मैं चॉकलेट भी ला के चॉकलेट मस्त वाली चॉकलेट, वो भी बारिश में, कौन करेगा इतना प्यार, बारिश में जा करके चॉकलेट लेके आ रहे हैं। पता नहीं लोग खामा का हॉर्न क्यों बजाते, देखो ऐसे जा रहे होंगे, कोई नहीं है आसपास। अबे क्यों बजा रहा है बेवजह, ये जा रहा है बाइक वाला जबरदस्ती, कोई मतलब नहीं, कोई है नहीं है, बस पास जाए। आज भी हमें आइसक्रीम वाला नहीं मिला, बिना आइसक्रीम के खाना पड़ेगा, मतलब सोना पड़ेगा। बहुत कोशिश करी बट नो दुकान ओपन। हमें पता नहीं क्यों रात को 11 बजे क्रेविंग होती है आइसक्रीम खाने की, पर आइसक्रीम वाला इस टाइम पे कोई मिलता नहीं है, सर्दियां वैसे चल रही हैं। तो टाइम हो रहा है 11:07, अभी अभी घर पहुंचे। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं खत्म, मिलते हैं आपसे कल सेम टाइम सेम जगह। लव यू ऑल। हमारी जो लड़ाई हुई थी ना वो सब सॉर्ट हो गई, है ना, सॉर्ट हो गई ना, है ना, खत्म हो गई ना, सब हमारी लड़ाई सॉर्ट हो गई। तो भाइयों जब भी बीवी से लड़ाई हो उसी दिन खत्म कर दिया करो यार, झगड़ा मत करा करो, आगे ज्यादा मत बढ़ाया करो। मेरी सासू माँ ये ब्लॉग देखेंगी ना मेरा, तो मेरे को बोलेंगी अच्छा तुम्हारी लड़ाई हुई थी, पर हमें तो लगा ही नहीं तुम्हारी लड़ाई हुई थी। बाबू बोलेगा दादी दादी फूफा की लड़ाई हुई थी बुआ से, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं चॉकलेट लेके आया था खाली। चलो बाय बाय।